गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओव्यूल स्ट्रक्चर एंड टाइप ओव्यूल के स्ट्रक्चर और टाइप हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन या और बिजी पादबों में लगी जनन हम उससे पहले तीन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर पराग कोच की संरचना हमने पढ़ी उसके बाद हमने मेल गेमिटो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है फिर थर्ड स्ट्रक्चर हमने समझी फीमेल गेमिटो किस प्रकार से बनता है और उसी वीडियो में हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर को समझा पूरा डिटेल में हमने समझा किस प्रकार से एम्ब्रियो सेक पाया जाता है उसके चारों ओर ओरियंटेग्यूमेंट्स होते हैं इंडोसेलस पाया जाता है तो वो स्ट्रक्चर जो हमने पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी कार्पर की समझा उन वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उसी ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम दोबारा से यहाँ देख लेते हैं क्योंकि वो ओव्यूल के टाइप को समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार से होती है ओव्यूल के अंदर न्यू सेल्स पाया जाता है इंटमेंट्स पाए जाते हैं और वो फीमेल गेमेटो को रिप्रेजेंट करता है मादा युग्मिद बोलते हैं इसको इसके अंदर मेनली जो स्ट्रक्चर है वो हमने डायग्राम समझा भी था पिछले वीडियो में उसको हम दोबारा से देख लेते हैं जिसके अंदर चलाजा है माइक्रोपायल है फनिकल्स है इंटेग्यूमेंट्स हैं आउटर इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं और बीच में एम्ब्रियोसेक है एम्ब्रियोसेक मेजर पोर्शन है जिसके द्वारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर एंटीपोडल सेल तीन एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं तीन सेल एगोप्रेटिस में पाई जाती है और दो सेल सेंट्रल सेल बोलते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस उसको बोला जाता है तो हमने वो डिस्कस कर चुके हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखा है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से समझते हैं क्योंकि वो टाइप को समझने में आसान होगा तो इसके अंदर फर्स्ट जो अपने आप को क्या करता है डेवलप करता है और उसके अंदर से सेल डिवीजन होकर बार बार उसमें इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण भी होता है और फिर सेल अपने आप को डेवलप करके वहां पर एक एम्ब्रियो का निर्माण करती है एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है सेकेंड है इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर मेनली क्या होता है एक ही इंटेग्यूमेंट्स पाया जाता है तो उसको हम यूनिटेकमिक प्लांट्स बोलते हैं जिनके अंदर एक ही इंटेग्यूमेंट्स पाया जाता है यदि हम आवर्त बीजियों की या एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनके अंदर लगभग सभी पौधों के अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं एक इनर इंटेग्यूमेंट्स और दूसरी आउटर इंटेगुमेंट्स और दोनों इंटेगुमेंट्स का निर्माण न्यू सेल्स की सेल्स के द्वारा डेवलप होकर उसके चारों ओर निर्माण होता है तो और थर्ड है माइक्रोपायल और जिस स्थान पर न्यू सेलस जो होती है वो इंटेगिमेंट्स का निर्माण नहीं कर पाती वहाँ पर एक छिद्रनुमा संरचना एक पोर लाइक -like स्ट्रक्चर जो होती है वो बची रह जाती है उस पोर लाइक -like स्ट्रक्चर को हम माइक्रोपायल बोलते हैं माइक्रोपायल का मेजर रोल होता है निषेचन की प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया में पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो एम्ब्रियोसेक तक पहुँचने में मदद करती है और दूसरा जब एम्ब्रोसेक सीड में बदल जाता है उसके अंदर जब सीड बनने शुरू हो जाते हैं एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो के अंकुरण के लिए जो माइक्रोपाइल है वो जर्मिनेशन के समय नमी को यहां से या वाटर मोलिक्यूल जो होंगे उसके द्वारा एंटर करेंगे और नमी होगी और नमी होने के बाद उसमें अंकुरण शुरू होगा तो माइक्रोपायल मेजर रोल प्ले करता है निषेचन में भी और बीज के अंकुरण में भी उसका फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट की बात करें तो हमने समझा था डायग्राम ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एम्ब्रियोसेक एम्ब्रियोसेक मेजर रोल होता है जिसके अंदर तीन एंटीपोटल सेल्स जो हैं वो चलाजा की तरफ पाई जाती हैं तीन एक्स ऑपरेटर्स की सेल हैं वो माइक्रोपायल की तरफ पाई जाती हैं और बीच में सेंट्रल सेल पाया जाता है जो एक तरह से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं इसको निषेचन के बाद वो हम निषेचन के बाद समझें निषेचन में क्या होता है इसको वैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं या उसको हम पोलर न्यूक्लियई भी कहा जाता है फो फिफ्थ पार्ट है वो फनिकल है फनिकल वो पार्ट होता है जिसके अंदर वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं जाइलम फ्लोइम उसके अंदर पाए जाते हैं जो पूरे ओव्यूल को पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है वो वास्कुलर सप्लाई करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा और लास्ट है हाइलम फनिकल और ओव्यूल जहाँ आपस में अटैच होते हैं वो बाघ क्या कहलाता है हाइलम कहलाता है जहाँ पर माइक्रोपाइल के नज़दीक रहता है ये जिसके द्वारा पोलन ट्यूब को एंट्री करने में माइक्रोपाइल की तरफ ये थोड़ा सा मदद भी करता है अब देखते हैं इसमें कितने प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं हमने स्ट्रक्चर हमने समझी पूरी स्ट्रक्चर डिटेल में समझनी है तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसके अंदर एनजोस्पर्मिक फीमेल गैम्बूटोफाइट किस प्रकार से बनता है तो वहाँ आप उस वीडियो को समझ सकते हैं वो डेवलप कैसे होता है किस प्रकार से मेरे सेक्ट बनता है तो वो डिटेल में समझा रखा है अब इसके प्रकार देखते हैं अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं कौन कौन से ओव्यूल हैं, वो समझते हैं मेनली सभी प्रकार के प्लांट के अंदर कुल छः प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं जो उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे ऑर्थोट्रोपस सिरसिनोट्रोपस एनाड्रोपस हेमट्रोपस -एना एम्फ्रोपस और कैमेलोट्रोपस ये छः प्रकार के ओव्यूल हैं वो पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट भी आप देख रहे हो एमरोसे किस कंडीशन में है इंटेगमेंट्स किस कंडीशन में है तो प्रत्येक को हम अलग अलग इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं किस प्रकार से होता है फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो प्रिमिटिव प्रकार के या सबसे पुराने प्रकार के एनजियोस्परम में पाया जाता है या ये प्रिमिटिव टाइप का जो है वो अव्यूल है और ये जिम्नोस्पर्म में लगभग सभी पौधों में पाया जाता है इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर माइक्रोपाइल चलाजा फनिकल और हाइलम जो होते हैं वो एक सीध में होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं कहीं पर भी ये एक दूसरे के साथ मोड एंगल नहीं बनाते बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे तो इसकी पहचान क्या होती है सबसे प्रमोटिव टाइप का है जिसके अंदर माइक्रोपाइल चलाजा फनिकल जो होंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे और इसका जो एग्ज़ाम्पल है सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल साइकस पाइपर और पोलिगनम ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम्पल और नाम दोनों पूछे जाते हैं मैचिंग द कॉलम आ जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक पूरा इम्पोर्टेंट है तो इसको अंत तक जरूर देखें दूसरा जो है ओव्यूल उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो सभी प्रकार के एनजीओस्परम में पाया जाता है मोस्टली एनजीओस्परम के अंदर ये पाया जाता है क्योंकि ये जो ये है टिपिकल टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस की तो ये है एनाट्रोपस एनाट्रोपस में क्या होता है ऑर्थोट्रोपस ऑफ दे यदि अपने आप को 180 डिग्री पर इन्वर्ट कर ले माइक्रोपाइल जो है वो कहाँ आ जाए नीचे की तरफ आ जाए तो उसे हम बोलते हैं किस टाइप का ओव्यूल एनाट्रोपोस ओव्यूल मतलब कि ऑर्थोट्रोपस समझा वो स्ट्रेट लाइन में थे तीनों एक सीध में थे लेकिन माइक्रोपायल जो होता है वो कहाँ आ जाता है घूमकर हाइलम या फनिकल के बिल्कुल टच में कर लेता है नज़दीक आ जाता है तो 180 डिग्री पर घूम जाता है इन्वर्टेड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस और ये मोस्टली एनजियोस्परम में पाया जाता है थर्ड टाइप का है हेमियानाट्रोपस हेमियानाट्रोपस क्या होगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को यदि हम वन 90 डिग्री एंगल पर यदि हम उसको घुमा दें मतलब कि हाफ इन्वर्टेड कर दें तो वो कहलाता है हेमी एनाट्रोपस ये क्या होगा चाहे हम क्या करें ऑर्थोट्रोपस को वन डिग्री मतलब कि फनिकल के साथ क्या बनाता है ये 90 डिग्री एंगल पर जुड़ा रहता है इसे हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस राइट right एंगल के ऊपर क्या करता है ये जुड़ा रहता है और उसका एग्जांपल है रेननकुलस रेननकुलसी फैमिली के अंदर ये पाए जाते हैं थर्ड फोर्थ टाइप का जो है वो है एम्फीट्रोपस एम्फीट्रोपस में क्या होता है जो ओव्यूल है वो क्या ना तो हैमि होता है और ना ही एनाट्रोपस होता है दोनों के बीच की कंडीशन होती है कि वो 90 डिग्री से थोड़े ज़्यादा एंगल पर अपने आप को घुमा देता है और 180 डिग्री पर नहीं घूम पाता इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस एम्फीट्रोपस जो होते हैं लेमना पोपी और एलिस्मा इन पौधों में ये पाया जाता है एम्फीट्रोपस थर्ड है कैम्पाइलोट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है ओव्यूल जो होता है वो उसके अंदर का जो एम्ब्रोसेक है वो कर्वेचर हो जाता है कर्व हो जाता है एक घोड़े की नाल की तरह वो स्ट्रक्चर जो होती है सॉरी वो, वो थोड़ा सा घूम जाता है घोड़े की नाल की स्ट्रक्चर वो एम्फीड्रोपस के अंदर है कैमेलोट्रोपस में क्या होता है एम्ब्रोसेक जो होता है वो घूम जाता है ओव्यूल की स्ट्रक्चर तो एम्फीट्रोपस की तरह ही रहेगी लेकिन अंदर का एम्ब्रोसेक है वो कर्वेचर हो जाता है थोड़ा सा घूम जाता है उसे हम बोलते हैं कैमेलोट्रोपस और इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेग्योमिनेसी और कुर्सी इन पौधों के अंदर ये पाया जाए लेग्योमिनेसी मीन्स मटरपुल बोलते हैं और क्रूसी फेरी सरसों कुल के पौधों के अंदर ये पाया जाता है अब है लास्ट सिर सिनोट्रोपस जो होता है हमने शुरू में पढ़ा था ऑर्थोट्रोपस उसके बाद हमने पढ़ा एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल 180 डिग्री पर घूम जाता है तो किस में बदल जाता है वो एनाट्रोपस ओब्यूल के अंदर और एनाट्रोपस ओब्यूल यदि फिर वन डिग्री पर घूम जाता है तो इसका मतलब वो बन जाता है सिर सिनोट्रोपस तो उसी कंडीशन जो होती है वो इन्वर्टेड हो जाती है डबल इन्वर्टेड हो जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को यदि हम दो बार घुमा दें 360 डिग्री एंगल पर वापस ले जाएं तो वो ओव्यूल क्या कहलाता है सिर सिनोट्रोपस तो ये वापस माइक्रोपायल जो होगा वापस क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा और वो चलाजा की सीध में चलाजा और माइक्रोपायल सीध में आकर फनीकल के सीध में आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस क्या था घूमता नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है लेकिन ये क्या होता है इन्वर्टेड हो जाता है दो बार घूम जाता है वन डिग्री फिर घुमा तो एनाट्रोपस में बदला एक बार वन डिग्री और घूम गया तो वो क्या कहलाएगा सिर सिनोट्रोपस तो ये ओव्यूल जो है वो ओपनशिया कैक्टस और प्लम्बिंग प्लांट में पाए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो ये जो थे ओव्यूल की स्ट्रक्चर ओव्यूल के प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं कितने टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं तो ये अलग अलग एनजोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं और मेजर जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस है जो मोस्टली सेवेंट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट प्लांट के अंदर ओव्यूल ये पाया जाता है तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है इससे पहले की वीडियो यदि देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है तो वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पोलिनेशन प्रांगण की प्रक्रिया कितने प्रकार के होती हैं क्या होते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू और वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद